कौन होगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री, इसको लेकर चल रहा है अब चिंतन मंथन। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया, जिसमें राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, जिसमें चिंतन मंथन हो। और उसके बाद एक बहुत और महत्वपूर्ण बैठक है जो कि शाम को है, जो कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी चिंतन मंथन होगा। आम आदमी पार्टी के फेसेस पर चर्चा होगी कि कौन सबसे उपयुक्त रहेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए और कौन होगा अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद। यूं तो कई सारे नाम है जो इस समय चर्चा में चल रहे हैं, उन नामों पर मुख्यमंत्री आवास पर यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनकी भी जो है चिंतन मंथन हुआ है। लेकिन इस बीच में आप कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस निशाने पर ले रहे हैं, जिन्होंने गठबंधन जो है दिल्ली में किया लोकसभा चुनाव के लिए। और संदीप दीक्षित कांग्रेस नेता ने कहा कि बेल मिलने के बाद सिसोदिया से बात हुई है, ये संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है, ये बड़ी खबर इससे मैं आपको दे दें। और हरियाणा में चुनाव इसलिए सिसोदिया को बेल दी गई, संदीप दीक्षित का ये बड़ा बयान। केजरीवाल को बेल मिलना भी दरअसल तय था। हरियाणा में चुनाव है, इमीडिएट चैलेंज है आपकी पार्टी के लिए, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं, हरियाणा से वो आते भी हैं, आपको लगता है कि आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी हरियाणा के अंदर? देखिए, पहले हरियाणा का चुनाव इमीडिएट चैलेंज बीजेपी के लिए, हमारे लिए नहीं, हम जीते पड़े हैं। और इसमें कहना नहीं चाहिए, देखिए किसी भी चुनाव में सम्मान करना चाहिए जनता का, लेकिन एक भावना है, मैं हरियाणा के बाहर का हूं तो मैं जो सुनता रहता हूं हरियाणा के लोगों का, कि वहां तो एक अभूतपूर्व जीत होने वाली है। और ये भी मुझे पता था, एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कोई 4-5 महीने पहले बताया था कि सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया, तो कहने लगे भैया क्या करें हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेलेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे, क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए, मैं आपसे राहुल जी पूछता हूं, जिन जिन प्रदेशों में, देखिए आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है, आप बिहार में क्यों नहीं है, आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते, आप बंगाल क्यों नहीं जाते, आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस एक तरीके से उतनी शक्ति की पार्टी नहीं है, वहां तो शायद इनकी ब्रांचेज भी नहीं होंगी। तो ये तो सीधे दिखता है ना कि जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना, वहां तो केवल कांग्रेस लड़ रही है ना, और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही है। भले लोग हमें वोट देना दें, हम अपनी तरफ से तो क्रियाशील है ना उन राज्यों में। तो ये तो बात को दिखा देता है कि इनकी बड़ी राजनीति क्या है। और वो लगता है कि बेल की कंडीशन में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है, कुछ हो सकता है सत्ता वाली पार्टी ने सेट की होगी, तो ये लड़ेंगे 90-90। हमारे सहयोगी कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। कुमार, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर कौन कौन मौजूद है अरविंद केजरीवाल के अलावा, और क्या इस वक्त हलचल है? जो अगर कुछ सूत्र बता पा रहे हो, नाम जिसको लेकर महामंथन हो रहा है, जो जहन में है, वो कौन कौन से नाम है, ये भी आप दर्शकों को अपडेट करें इसको लेकर। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर मैं हूं, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, उसमें बड़े सीनियर लीडर जिसमें राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया सरीखे नेता शामिल हैं, और एक तरीके से रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि जो शाम की मीटिंग होनी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक बॉडी है, उसमें कौन क्या कुछ ले जाया जाएगा एजेंडा पर, किसका नाम जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। नाम हालांकि कयासबाजी में वही तमाम चीजें चल रहे हैं कि आतिशी का नाम होगा या फिर उसमें कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल कर दिया जाता है, कई बार उसमें गोपाल राय का नाम शामिल किया जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें कयासों के दौर में ही हैं। जो समझते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति को, उन्हें पता है कि यह फैसला अरविंद केजरीवाल को लेना है और उस पर मुहर पीएसी की लगेगी, साथ ही साथ विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उसी नाम पर मुहर लगाया जाएगा। तो क्या
जब इस्तीफा देने की का सोचा अरविंद केजरीवाल ने, क्या उससे पहले वो मुख्यमंत्री के नाम को तय कर चुके हैं? ये भी बात लगातार जो राजनीतिक हलके हैं उसमें ये इस बात पर भी चर्चा लगातार चल रही है। तो बहुत सारी चीजें चल तो रही हैं, मंथन चल रहा है, 48 घंटे का समय भी लिया इस्तीफा देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आखिरी दौर में क्या होगा, किसका नाम आएगा, इस पर कयास लगा तो सकते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर कोई सूत्र कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा, एक बार फिर से आपका रुक करेंगे, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, उनसे भी हमने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ है। कल मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और उन्हें सौरभ भारद्वाज ने कहा एक हफ्ते का प्रोसेस जो है वो लगेगा नए मुख्यमंत्री के लिए। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दो दिन में हम नया मुख्यमंत्री दे देंगे, आज सौरभ भारद्वाज एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं, तो ये झूठ दर झूठ परते अभी और खुलेंगी धीरे धीरे, ये और भी समय बढ़ाएंगे, क्योंकि नियत नहीं है, सिर्फ एक इवेंट क्रिएट करना था, वो इन्होंने कल कर दिया। और मैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, आप नवंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, आप तुरंत मंत्रिमंडल बर्खास्त कीजिए, तुरंत कीजिए, और अक्टूबर में चुनाव कराइए। दिल्ली की जनता आपके 10 साल के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, वो आपका भ्रष्टाचारी चेहरा देख चुकी है और वो अब इन चेहरों से मुक्ति चाहती है, तो दिल्ली की जनता को नवंबर तक इंतजार क्यों कराना, जल्दी कराइए चुनाव। सौरभ भारद्वाज को कहना है कि विधानसभा वो भंग नहीं कराएंगे, ये गेम जो है वो हमने बीजेपी के पाले में भेज दी। हमारे पाले में क्यों है, निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, कराए निर्णय, जाके खुद चिट्ठी दे देना, हमने क्या करना है उसमें, हम तो चुनाव के लिए तैयार है क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा भंग करें, कराएं चुनाव, इंतजार किस बात की कर रहे हैं। रामयुग की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ अग्नि परीक्षा की भी बात कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे अग्नि परीक्षा को लेकर। मैं अग्नि परीक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। क्या मतलब है अग्नि परीक्षा का? अग्नि परीक्षा का मतलब है सत्य का सामना करना। तो आओ आपके घर से शुरू करते हैं, खोलिए अपने राजमहल के दरवाजे और पहली अग्नि परीक्षा ये दीजिए कि दिल्ली के हर आदमी को बुलाइए कि आइए मेरा घर देखिए, वो ऐशगाह देखिए, वो राजमहल देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल मैं रहता हूँ। आप तो आम आदमी है ना, दिखाइए वो 8 करोड़ का मार्बल, इटालियन मार्बल जो आपने बिछाया है, दिखाइए वो 2 करोड़ का बिस्तर जिसपे आप सोते हैं, दिखाइए वो 8 लाख का पर्दा, दिखाइए वो कमोड 5-5 लाख के जो आपने लगवाए हैं, है हिम्मत दिखाने की? हो जाएगी अग्नि परीक्षा, आप जमानत पे छूटे, आप लोगों ने दुनिया भर के पटाखे चलाए, दीजिए अग्नि परीक्षा जरा उन घरों में चलते हैं जो जल भराव के कारण वो 40 से 42 बच्चे जो मर गए, जिन घरों के चिराग बुझ गए, है उनके घरों में जाने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल? करो अग्नि परीक्षा, आओ मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ किराड़ी में, वो छोटे छोटे बच्चे जो पानी में डूब के मर गए, है उनके घरों में जाने की हिम्मत? अरविंद केजरीवाल, अग्नि परीक्षा कहने और करने में बड़ा फर्क है। शराब के नशे में जिस युवा पीढ़ी को आपने धकेला, जिस माँ के बेटे ने शराब के नशे में उसकी दवाई के पैसे चोरी किए, जिस माँ का मंगलसूत्र बिका उस शराब के लिए, कौन सा मुख्यमंत्री एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता है? तुम हो वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिसने एक पूरी पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम किया। दो अग्नि परीक्षा, चलो उनके घर। रिएक्शन का दौर सर चल पड़ा है। सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया है, मनोज तिवारी ने कैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया, अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे जो पीएससी की बैठक है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या हलचल है, क्या उसमें सभी को बुलाया गया है या फिर शीर्ष नेतृत्व ही उसमें सिर्फ शामिल रहेगा, और क्या ये जो नाम है जिस पर महामंथन का दौर चल रहा है इस्तीफे के बाद सामने आएगा या हो सकता है कि पहले भी अनाउंस कर दिया जाए, कोई अगर सोर्सेज बता पा रहे हो? कुमार कुणाल,
जी देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो पूरी मीटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है जो पीएससी की, उसमें जो तमाम जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो तो शामिल होंगे ही, इसीलिए पहले अनौपचारिक बैठकों का दौर चल रहा है। अनौपचारिक बैठकें इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक तरीके से एक राय बना लिया जाए और जब वो पीएससी की बैठक में जाए या फिर जब विधायक दल की बैठक शुरू हो तो उसमें उस नाम को रखा जाए और सीधे सीधे प्रस्ताव पारित करवा लिया जाए। तो एक तरीके से ये अनौपचारिक बैठकों का दौर है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी जब इस यहीं पर आम आदमी पार्टी दफ्तर जहां पर मैं मौजूद हूं कल जब यहां पर घोषणा की थी उन्होंने कि मैं इस्तीफा दूंगा 48 घंटे के अंदर में, तो वो जो 48 घंटे का सिग्निफिकेंस है ना, जो महत्व है वो भी यही है कि कोई बहुत ज्यादा इस समय ऐसे ही कई सारे विवादों में चीजें हैं तो विवाद ना हो, किसी भी तरीके से एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। बिल्कुल जो कहा जाता है कि लीडरशिप हालांकि अरविंद केजरीवाल की ही है पार्टी में भी और वो सर्वमान्य नेता है आम आदमी पार्टी के भीतर, लेकिन जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए उसके नाम पर कोई बहुत ज्यादा बहस ना हो, विवाद ना हो, उसको देखते हुए भी इस समय पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो ये एक तरीके से ये पहले की कवायद है, पहले की तैयारी है और ऐसी तैयारी है कि जब एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, नए सरकार बनाने की कवायद शुरू हो, तब सारी चीजें सॉर्टेड आउट हो कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस किस तरीके से सारी चीजें होंगी, इस पर कोई आगे लेकर के कोई विवाद ना हो। साथ ही साथ जो सत्ता का केंद्र की बात कही जा रही है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो क्या सत्ता के दो केंद्र होंगे, उन केंद्रों को लेकर के भी आपसी टकराव ना हो तो किस तरीके से काम होगा।